वालर चॉय चैनल पर आपका स्वागत है। आवर्त सारणी जब पीरियोडिक टेबल की बात होती है तो हम लोगों को तत्वों को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम आज आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा पहले बताएंगे। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है आवर्त सारणी, उसमें 118 तत्व है। कितने तत्व है? 118 तत्व है। और इसमें इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ऐसे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। जो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जिसमें लास्ट में एस आता है उसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा गया है, जिसमें पी आता है उसे पी ब्लॉक के कहा गया है, जिसमें डी आता है उसे डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा गया है, और जिसमें एफ आता है तो उसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहा गया है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को 2 श्रेणी में डिवाइड कर दिया गया है, 2 सीरीज कही जाती हैं। एक होती है लैंथेनाइड, क्या होती है? एक होती है लैंथेनाइड श्रेणी और एक होती है एक्टेनाइड श्रेणी। क्या? लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी। एक है लैंथेनाइड और एक है एक्टेनाइड श्रेणी। तो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी में इसमें डिवाइड किया गया है। अब एस और पी में सबसे पहले देखते हैं। एस ब्लॉक में आपके 7 ये तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6, तो ये 13 तत्व हैं। और पी ब्लॉक में याद करने का तरीका इसी का उल्टा याद कर लो, 31 रेडियोएक्टिव तत्वों को छोड़कर 31 तत्व आपके इसमें आ जाते हैं। डी और एफ के बारे में हम आगे पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, सबसे पहले हम एस ब्लॉक के बारे में बताने आपको जा रहे हैं। तो एस ब्लॉक में सबसे पहले आपको याद करने में दिक्कत होती है, तो पहले तो हम याद करने का तरीका आपको बताते हैं। तो एस ब्लॉक के इधर को बोलते हैं पीरियड और इधर को बोलते हैं ग्रुप। ये फर्स्ट ए है और ये सेकंड ए है। अब जरा ध्यान से देखते हैं एक मजेदार ट्रिक एस ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने की। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे याद करेंगे? आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। आपको अगर ऐसे याद करने में दिक्कत हो रही तो एक मजेदार ट्रिक देखते हैं। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एच का मतलब हाई, एल आई का मतलब लीना, लीना, के का मतलब कपूर, आरबी का मतलब राय बरेली, और सी एस से एफ आर मतलब फायर। देखिए कितनी मजेदार ट्रिक है, हाई लीना कपूर राय बरेली से फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाय लीना कपूर राय बरेली से फरार। याद हो गया ना आपको? अब देखते हैं इसको सेकंड ए को। तो सेकंड ए की शॉर्ट ट्रिक है बेटा मांगे कार एसआर स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। यही है भैया मैडम क्यूरी की जिनसे मृत्यु हुई थी, रेडियम। तो ये क्या है? हाय लीना कपूर राय बरेली से फरार और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये हो गया आपका फर्स्ट डे याद करने का तरीका और ये हो गया आपका सेकंड डे याद करने का तरीका। क्षारी धातुएं और क्षारी मृदा धातुएं इनको कहते हैं। अब इसके बाद आप लोग एक चीज देख लीजिएगा कि इनको परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे इनके। तो देखिए पहले का परमाणु क्रमांक क्या है? 1। अब आप याद रखिए इनसे इनके बीच में कितना ऐड करते हैं? 2। 2 8 8 18 ऐसे करके बताए थे आपको। तो जब 2 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3। तो देखिए परमाणु क्रमांक कितना है? 3। अब इस 3 में कितना जोड़ेंगे? 8। तो 8 3 11। देखिए अगले का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। कितना है? 11। और 4 में 8 जोड़ा होगा तो कितना आया है? 12। दोनों को देख रहे हैं ना। अब इसमें फिर से 8 जोड़ेंगे तो 11 8 19
और 12 में अगर 8 जोड़ा होगा तो 12 8 20। अब इन दोनों के बीच में कितना जोड़ना है, 2 8 8, अब कितना जोड़ना है 18, तो 19 और 18 37, तो देखिए कितना है 37। और इसमें अगर 18 जोड़ा होगा 20 में तो कितना आया होगा 38। ऐसे 37 और 55 में, तो फिर से अगली बार कितना जोड़ते हैं 18, तो 8 7 15 और 3 1 4 55। और इसमें भी 18 जोड़ा होगा तो कितना आ गया होगा 8 8 16 और 3 1 4 5 56। तो क्या आपने करा 2 8 8 18 18। अब लास्ट में कितना जोड़ते हैं याद होगा 32, तो 5 2 7 5 3 8 कितना आया 87। इसमें जोड़ा होगा 32 तो कितना आया होगा 6 2 8 और 5 3 8। आपको परमाणु क्रमांक सभी के याद हो जाएंगे इस तरीके से। दो पहला हाइड्रोजन का याद कर लो परमाणु क्रमांक 1, इस श्रेणी में भी याद कर लो बेरिलियम का 4, उसके बाद 2, फिर कितना है ये पहले वाले में 2, अब यहां से अगर शुरू हो रहा है तो क्या है 8, फिर 8 फिर 18 फिर 18 और 32। ये आपका तरीका हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं लास्ट में याद करने की ट्रिक। हाय लीना कपूर राय बरेली से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इसी तरीके से अगले वीडियो में आप लोग देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और इसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक जो ये है आपके, आपको पता होगा बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, आप आराम से कट कर सकते हैं। और दूसरी बात है क्या हमने कहा, बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं। थैंक्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं अच्छी ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में पी डी और एफ याद करने की।